होगा। फिर से एक बार स्वागत है, आइए नजर डालें आज की कुछ मुख्य खबरों पर। लोगों के द्वारा, चूंकि राशन की दुकान अभी तक उन्हीं के हाथ में है, सरकार आए हमारी 3 महीना लगभग हो रहा है, लेकिन राशन दुकान अभी उन्हीं लोग चला रहे हैं। तो चूंकि उन लोगों के, चूंकि विधानसभा में बुरी तरह पिटाए हैं भाजपा के लोग, और राशन वितरण प्रणाली भी बहुत ही बुरा स्थिति बना के रखे हैं, तो ये उन लोगों ने भ्रम की स्थिति फैला के रखा है कि लोकसभा में कांग्रेस को लाभ न हो, इसलिए भ्रम की स्थिति आम जनता को फैला रहे हैं लोग कि चना और नमक शासन द्वारा बंद कर दिया गया है। जबकि हमारे शासन की जो घोषणा है कि हर व्यक्ति को हम 35 किलो चावल देंगे, इवन यहाँ तक घोषणा है कि अगर रमन सिंह जी भी चाहें तो रमन सिंह जी को भी हम 35 किलो चावल देंगे और उनका भी कार्ड बनेगा, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है हमारे सरकार की। हमारी सरकार की पूरी स्कीम गरीबों का, किसानों का, बेरोजगारों का, आदिवासियों का, उन पर आधारित है। हम किसानों का कर्जा माफ़ किए, हम बिजली बिल हाफ किए, हम जो है गरीबों के लिए हम 250 से 400 रुपए तक हम तेंदुपत्ता खरीदने को हमारी योजना है और हम खरीदेंगे। तो हमारे जो स्कीम है गरीबों के लिए है, चूंकि गरीब आज हमारे साथ हैं, इसलिए ये नमक और ये जो चना का जो बात है, ये बीजेपी समर्थित के लोग भ्रम की स्थिति में फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, आम मतदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं। इसमें मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आप लोग भ्रमित मत हों। कांग्रेस की सरकार गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, बेरोजगारों की सरकार है, किसानों की सरकार है, उनके हित की सारी योजनाएं लागू होंगी। इसमें भ्रम की स्थिति कहीं नहीं है। हम हर व्यक्ति को 35 किलो के मान से चावल देंगे। हम तो अभी हमने ये भी सुना कि देहात में भी फैला रहे हैं कि चावल का रेट बढ़ने वाला है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम चावल का रेट नहीं, हम चावल की मात्रा बढ़ा रहे हैं, जैसा कि बीजेपी ने 7 किलो कर दिया था पर यूनिट, हम हर कार्डधारी को 35 किलो दे रहे हैं। तो ये गरीबों की सरकार है, आप लोगों के माध्यम से हमने आम जनता को बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ और अपील भी कर रहा हूँ कि भ्रम की स्थिति निर्मित मत हो। ये सरकार आपकी है और आपके लिए पूरा काम करेगी, समर्पित है आपके प्रति ये सरकार। गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, बेरोजगारों की सरकार है और सबको लाभ पहुंचाएगी। इसलिए आप लोगों के माध्यम से ये जो भ्रम की स्थिति है, अगर किसी ने भ्रम की स्थिति फैलाया है तो हम प्रशासन से इसकी शिकायत कर इस प्रशासन के द्वारा भी हम इस पर कार्रवाई कराने की कोशिश करेंगे। आज मैंने जब पता किया एक लेवल सोसाइटी में जाकर, क्योंकि ऐप के माध्यम से वे चना